छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आदतन अपराधी जो कि गांजा की तस्करी करता था उसे पकड़कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। मामला छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है जहां पर आरोपी बाल स्वरूप बिदुआ के द्वारा 7 किलो गांजे की तस्करी की जा रही थी, जिस पर थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर शहर के सटई रोड से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। वहीं CSP लोकेंद्र सिंह ने बताया है कि NDPS एक्ट के तहत मामले को पंजीबद्ध करते हुए जाँच की जा रही है। थाना सिविल लाइन में एक गांजा पकड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसमें सटई रोड पर रेलवे ब्रिज के पास में एक व्यक्ति, उसका नाम बाल स्वरूप विधवा है, इससे 7 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 70,000 है और इसमें विवेचना की जा रही है। जी